मेजर सेवन कॉर्ड्स और माइनर सेवन कॉर्ड्स कैसे प्ले करते हैं, तो इस वीडियो में आप देख लेना, और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे मेजर कॉर्ड्स और मेजर सेवन कॉर्ड्स हम कैसे प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हमें सभी को पता है कि सी मेजर कॉर्ड हम कैसे प्ले करते हैं, ठीक है, ऐसे प्ले करते हैं सी मेजर कॉर्ड। बिल्कुल आपको साफ साफ आवाज़ आ रही होगी, आई होप सो आवाज़ आ रही है तो आप बता सकते हो। तो सी मेजर कॉर्ड में हम जब तीन नोट पकड़ते हैं, जैसे सी नोट, ये आपका ई नोट है और आपका फाइनल नोट है सी नोट। ये तीन नोट है आपका जो सी मेजर कॉर्ड बनाता है। तो ऐसे ही मेजर कॉर्ड्स का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, 1, 3 एंड 5। मेजर कॉर्ड्स हमारे कैसे बनते हैं, तो मेजर कॉर्ड्स हमारे बनते हैं सी ई और जी। अगर देखा जाए, सी मेजर का कॉर्ड लिया जाए, तो इसमें कौन कौन से नोट्स होते हैं हमारे, सी ई और जी। अगर हम सी को सा, डी को रे, ई को गा, एफ को मा, है ना, ऐसे अगर हम गिने तो सी हमारा सा है और ई हमारा गा है और जी हमारा क्या है, सा गा मा पा। तो सी ई जी, ये तीन नोट्स हमारा बनता है सी मेजर। ऐसे ही 1, 3 एंड 5 किसी भी नोट या किसी भी कॉर्ड का। फॉर एग्जांपल, आप डी मेजर कॉर्ड बजा रहे हो, इसमें भी अगर डी को आप सा मानो और उसके बाद सा गा पा, इस 3, 1, 3, 5 इन चीज़ों, इन तीन नोट्स को अगर एक साथ आप प्ले करोगे तो आपको डी मेजर की आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे एफ मेजर, एफ फिर इसके बाद ए फिर सी सा गा पा, तो ये एफ मेजर सुनाई देगा आपको, ठीक है, ये थ्योरी है। अब मेजर सेवन कॉर्ड क्या होता है, मेजर सेवन कॉर्ड होता है वो कॉर्ड्स जिसमें आपका 1, सा, 3, गा, 5, पा, ठीक है, नी, दैट इज द सेवेंथ, ठीक है, धा धा को छोड़ दो, नी, दैट इज द सेवेंथ, सेवेंथ नोट जब लगता है तो हम बोलते हैं इसको मेजर सेवन कॉर्ड, ठीक है, क्या, सा गा पा नी, 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो इन चार नोट्स को अगर हम एक साथ प्लेस करते हैं, प्ले करते हैं, तो दैट गिव्स अस दी अ मेजर सेवन कॉर्ड। समझ आ गया होगा, दोबारा बताता हूँ, सा, दैट इज अगर हम सी से ले रहे हैं तो सी, डी को छोड़ो ई पे, ई फिर क्या है, एफ को छोड़ो जी पे, फिर जी के बाद ए भी छोड़ दो, बी भी छोड़ दो, बी पे आ जाओ, ठीक है। तो ये है आपका सेवन्थ नोट है, सेवन्थ नोट सी मेजर के स्केल में बी होता है। देखना चाहते हो आप, मैं दिखा देता हूँ, ये आपको बजाना है, रे छोड़ना है, गा बजाना है, ठीक है, उसके बाद धा भी छोड़ना है, पा बजाना है, धा छोड़ दो, नी पे आ जाओ, तो क्या बना, ये आपको मेजर सेवन के कॉर्ड के नोट्स होंगे। तो इसको आप कहीं भी, ये तीन नोट निकाल, चार नोट निकाल लो और इनको आप बजाओगे जब, तो आपको सी मेजर सेवन की आवाज़ आएगी। अब मैं सी मेजर सेवन कॉर्ड बजाते कैसे हैं ये दिखा देता हूँ। सी मेजर सेवन कॉर्ड बजाना बहुत सिंपल है। तो पहले सिंपल चीज़ है, सी को नोट को ढूंढो ऊपर वाले वायर पे, ई एफ, एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी सी, सी नोट ढूंढ लिया। उसके बाद हम सी नोट पे मेजर कॉर्ड ऐसे बजाते हैं, बार कॉर्ड, इसी शेप को। अब अगर हमें मेजर सेवन बनाना है, ध्यान से देखना कैसे बजाना है उसको मेजर सेवन। मिडिल फिंगर को उठाया और रखा मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, ऐसे था, बार कॉर्ड ऐसे प्ले करते हो सी मेजर का। सी मेजर सेवन कैसे प्ले करेंगे, इसको उठाओ और इसको रखो यहाँ पे, ठीक है, ये अभी भी बार लगा हुआ है, और इन दोनों फिंगर से आप इसको यहाँ प्लेस करो, यहाँ पर प्लेस करो, समझ आ गया होगा। इंडेक्स आपका यहाँ पे, मिडल आपका इस वाले बी स्ट्रिंग पे, यहाँ पे रिंग आपका यहाँ पे, पिंकी आपका यहाँ पे, ठीक है,
अब मैं नोटेशंस बताता हूँ। सी मेजर कॉर्ड हम ऐसे प्ले करते हैं, ठीक है, और सी मेजर सेवन कॉर्ड हम कैसे प्ले करते हैं, इसी शेप को मिडल फिंगर यहाँ से उठा के आप यहाँ ले आओ, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये जो यहाँ पे था इसको यहाँ पे ले आओ, ऐसे था सी मेजर। सी मेजर सेवन कैसे प्ले करेंगे, इसी को उठा के, ये देखो आपका ये यही बार रहेगा, और इसको उठा के आप बी स्ट्रिंग पे, और रिंग फिंगर को यहाँ पे, पिंकी फिंगर को यहाँ पे, सी मेजर सेवन। आ गया वो समझ। यही शेप अगर आप ए मेजर सेवन प्ले करना चाहते हो, आपको किसी ने बोला ए मेजर सेवन प्ले करो, तो ए मेजर सेवन हम कैसे प्ले करते हैं, ए मेजर का शेप हम सबको आता है, ठीक है, तो ए मेजर का शेप हम सभी को आता है, तो हम क्या करेंगे, ये ए मेजर जैसे ऐसे प्ले करते हैं, ए ढूंढ के ऐसे, तो इस नोट को उठाएंगे ऐसे ऐसे, मेजर सेवन कॉर्ड, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे आप मुझे प्ले करके दिखाओ, सी शार्प मेजर सेवन, सी शार्प मेजर सेवन, कुछ नहीं करना यार। देखो आपको ई, इस वाले वायर पे सी शार्प नोट ढूंढना है, ई के बाद एफ आता है, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, ये नोट है आपका, ठीक है, तो इसी पे हम मेजर कॉर्ड ऐसे बजाते हैं, सी शार्प मेजर, ठीक है। अब इसी को हम प्ले करेंगे सी शार्प मेजर सेवन कैसे, अभी वाला शेप जो मैंने दिखाया, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो आज के बाद आपको मेजर सेवन कॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आई मेड सम सेंस। तो अभी आप सबको समझ आ गया होगा कि सी शार्प मेजर सेवन या फिर कोई भी मेजर सेवन कॉर्ड हम कैसे प्ले करते हैं। तो अब हम चलते हैं मेजर सेवन कॉर्ड की कहानी खत्म, माइनर सेवन कॉर्ड्स कैसे प्ले करते हैं, विच इज़ वेरी इजी। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ए माइनर का जो शेप होता है ऐसे बजाते हैं, माइनर ऐसे बजाते हो, ई माइनर ऐसे बजाते हो ना, सबसे सिंपल शेप ई माइनर ऐसे ऐसे, ठीक है, सबसे सिंपल, ये ई माइनर है। ई माइनर सेवन बजाने के लिए क्या करना है, इसको हटा दो, दिस इज एन ई माइनर सेवन, ठीक है। एफ माइनर कैसे प्ले करते हो आप, ऐसे ऐसे प्ले करते हो आप एफ माइनर, ठीक है। अब अगर हम इसी कॉर्ड में से पिंकी को हटा दें, तो दिस बिकम्स, इसी कॉर्ड में से एफ माइनर के कॉर्ड में से, ई माइनर ऐसे प्ले करते हो, एफ ऐसे प्ले करते हो, इसी कॉर्ड में से अगर हम पिंकी को हटा दें तो आपको क्या बनता है, एफ माइनर सेवन, ठीक है। अब आपकी बारी है, आप मुझे प्ले करके दिखाओगे ए माइनर सेवन कॉर्ड। ए माइनर सेवन कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मेरे से ट्राई करो। सबसे पहले ए नोट ढूंढेंगे, ई के बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए नोट पे आ गए हम। अब ए नोट पे हम क्या लगाएंगे, माइनर बार कॉर्ड। कैसे लगाते हैं माइनर बार कॉर्ड, ऐसे ऐसे, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम ए माइनस सेवन कैसे बनाएंगे, इस पिंकी को हटा देंगे, और ये आपको ए माइनस सेवन बन गया, ध्यान से फिर से देख लो एकदम पास से, ए माइनस सेवन, ठीक है। इधर से कैसे पकड़ रखा है, फिंगर मेरे कैसे रहते हैं देखो, ऐसे हमेशा पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है, दैट मेक्स एंड ए माइनस सेवन कॉर्ड, ठीक है। तो काफ़ी इजी होगा ये आपको समझना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेजर सेवन कैसे बजाते हैं हम, मेजर सेवन कॉर्ड का फंडा क्या था, ये मेजर कॉर्ड, ये मेजर सेवन कॉर्ड, सिंपल था। मेजर कॉर्ड ये होता है, मिडिल फिंगर को उठा के लाओ यहाँ पे, रिंग फिंगर यहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया आपका मेजर सेवन कॉर्ड। और माइनर सेवन क्या होता है, माइनर कॉर्ड में से पिंकी हटा दो, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो यही कहानी थी मेजर सेवन और माइनर सेवन की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडेड सस्पेंडेड कॉर्ड्स, ये सारे कॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप समझ पाओगे। एडेड कॉर्ड्स होते हैं हमारे, कोई भी मेजर कॉर्ड होता है, सारे गामा सागा पा से जो बनता है मेजर कॉर्ड, अभी आपको बताया, नहीं पता आपको तो जाके पीछे थोड़ा देख सकते हो इसी वीडियो में, सा गा और पा, वन थ्री एंड फाइव। जब वन दैट इज़ द रूट नोट एंड थर्ड नोट एंड द फिफ्थ नोट, ठीक है, दीज आर कम्बाइंड टूगेदर वी फॉर्म अ मेजर कॉर्ड, वी मेक अ मेजर कॉर्ड, ओके। जब हम इस थर्ड कॉर्ड को
1 3 5 सॉरी थर्ड नोट को एक हाफ एक होल स्टेप पीछे करते हैं, वी मेक इट अ सेकेंड 1 2 एंड 5, तो हमें बनता है हमारा बनता है, आप याद रखना, सस्पेंडेड टू कॉर्ड, SUST टू कॉर्ड, ठीक है, सस्पेंडेड टू कॉर्ड, देख लो इसको कैसे बताता हूँ, मतलब इसको कैसे बजाते हैं। ए मेजर सबसे सिंपल मेजर कॉर्ड्स, ए मेजर कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ए मेजर का कॉर्ड है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें से हम अगर पिंकी को हटा देते हैं, हटा दिया जैसे पिंकी को, हमारा ये बनता है सस्पेंडेड टू कॉर्ड, सस्पेंडेड टू कॉर्ड, ये ए मेजर था, हाय सागर, ये ए मेजर का कॉर्ड है, अगर इसी में से आप पिंकी को हटा दो तो दिस मेक्स अ ए सस्पेंडेड टू कॉर्ड, ए सस्पेंडेड टू कॉर्ड, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि सस्पेंडेड टू क्या होता है। एक मेजर कॉर्ड कैसे बनता है, सा रे गामा पा धा नि सा, अगर सी को लेके चले, हाय अमृतों अमित्रो मंती क्रिमिनल, ठीक है, नाम नहीं पढ़ता, सॉरी फॉर दैट, तो कोई भी मेजर कॉर्ड हमारा बनता है सा गा और पा को लेके, 1 3 और 5 लगा के, सी में ए मेजर का कॉर्ड है, तो हमारे ए मेजर में जो नोट लगते हैं वो सा गा पा लगते हैं, ठीक है। अब ए सस्पेंडेड टू कॉर्ड बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पिंकी को हटा दो, दिस मेक्स एन ए सस्पेंडेड टू कॉर्ड, ठीक है, समझ आ गया, 1 2 एंड 5, सा रे मा, ठीक है, आ गया वो समझ। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, सस्पेंडेड फोर कॉर्ड्स कौन से होते हैं, ए मेजर है, इसी पिंकी को एक स्टेप आगे कर दो, एक हाफ स्टेप आगे कर दो, पिंकी को हाफ स्टेप आगे कर दो, दिस मेक्स एन ए सस्पेंडेड फोर कॉर्ड, ठीक है, समझ आ गया होगा, आ गया वो समझ, ठीक है, ए मेजर एस एस टू एस एस फोर ए मेजर। तो इसको म्यूजिकल वे में कैसे यूज करना है, एक पिकिंग पैटर्न देता हूँ, ए मेजर बजाओ और बजाओ आपका बी जी, सस्पेंडेड टू कॉर्ड्स क्या है, ये वाला सस्पेंडेड ए मेजर से पिंकी हटा दो, सस्पेंडेड टू कॉर्ड, ए मेजर में ये पिंकी ऐड कर दो, सस्पेंडेड फोर कॉर्ड और ये ए मेजर कॉर्ड आ गया, थोड़ा बहुत समझ आया होगा, है ना। ठीक है, सस्पेंड अगर हम सस्पेंडेड कॉर्ड बजा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या बजाओगे पीछे, कोई बंदा अगर सस्पेंडेड कॉर्ड बजा रहा है तो इसमें आप क्या बजाओगे पीछे, कुछ नहीं, आप ए मेजर का सारे गामा पा धा नि सा बजाओ, ए नोट ढूंढो यहाँ पे और इसमें बजाओ, 1 3 5 1 3 5 2 3 5 2 3 5 3 5 6 3 5 6, ठीक है। अब अगर कोई पीछे का बैकग्राउंड में, फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको एग्जांपल देके देखता हूँ, दैट विल बी वेरी ग्रेट, है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे बजाना है। तो मैं, मेरे पास यहाँ पर लूपर है, तो मैं एक काम करूँगा आपको प्ले करके दिखाता हूँ, सस्पेंडेड कॉर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आ गई होगी, ठीक है। तो मेजर 7 बता दिया मैंने, माइनर 7 बता दिया आपको, सस्पेंडेड 2 और सस्पेंडेड 4 कॉर्ड्स बता दिए मैंने आपको,
अब बारी आती है आपके एडेड कॉर्ड्स की। तो एडेड कॉर्ड्स क्या होते हैं? सी एड नाइन, ठीक है, एड नाइन कॉर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, डी एड नाइन, एफ एड नाइन, जी एड नाइन कॉर्ड्स, ये सब क्या है? सी एड नाइन, जी एड नाइन कॉर्ड्स सुना होगा आपने कि ऐसे बजाते हैं, सी एड नाइन, है ना, ऐसे बजाते हैं। ये जी मेजर का कॉर्ड है और सी एड नाइन आपने सुना होगा ऐसे बजाते हैं, पर ये है क्या? सी एड नाइन देखो क्या होता है, कभी भी हम सुनते हैं कॉन्सेप्ट एड नाइन, मेजर सेवन, माइनर सेवन, किसी कॉर्ड के आगे, ए मेजर इलेवन, ठीक है, ए मेजर थर्टीन, हाई होने से पिक करना, सर एक्शन हाई होने से पिक करना मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये गिटार है, इसका एक्शन देखो, एक्शन का मतलब होता है कि बाकी व्यूअर्स के लिए कि तार से आपके फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखो इसका फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस तार से कितना, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कम है एकदम। आप कोशिश यही करो कि फ्रेटबोर्ड से वायर का जो डिस्टेंस है आपका उसको मिनिमम रखो, ऐसा नहीं कि पूरा दबा दो, बजिंग आएगी, ऐसा नहीं है, बट आप ट्राई करो कि मिनिमम रखो। और पेन क्यों होता है उंगलियों में? देखो पेन इसीलिए होता है कि आप ना कितना भी ऊपर हो, कितने भी ऊपर हो स्ट्रिंग्स, आप एक अगर गलती कर रहे हो, गलती ये कि आप फ्रेट के पास ना पकड़ के इधर पकड़ रहे हो, तो आवाज़ भी क्लियर नहीं आएगी, आपकी उंगलियों में भी दर्द होगा और बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी। तो इसको बेहतर यही है कि अच्छा ज़्यादा लगता है आपका तो कोई नहीं, आप इतना करो, आप एक अकोस्टिक गिटार लो, यहाँ पे उसके अकोस्टिक गिटार के यहाँ पे एक होल होता है, होल होता है, आपने होल देखा होगा, उससे अपने स्ट्रिंग की हाइट को ठीक कर दो। देखो मेरे स्ट्रिंग की हाइट कितनी ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। तो कोशिश करो आप कि आप अपनी स्ट्रिंग की हाइट को बेहतर कर लो, तो आपको प्लेइंग करने में आसानी होगी। यामा F3 बहुत अच्छा गिटार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, यामा F310। आई थिंक जो जिनके पास जो गिटार लेना भी चाहते हैं नया कुछ भी, तो यामा F310 बहुत अच्छा गिटार है। तो जो दिक्कत आ रही है आपकी, दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ट्रस रॉड को एडजस्ट कर लो, अदरवाइज जो प्लेइंग में दिक्कत आ रही है वो देखो आपकी प्लेइंग की वजह से शायद आ रही हो। उंगलियों को हमेशा फ्रेट के पास इतने तेज़ प्रेस करो कि बस बैठ जाए, इतने तेज़ मत प्रेस करो कि उंगलियों में लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इतना धीरे प्रेस मत करो कि आवाज़ ही ना आए, ठीक है, आवाज़ ही नहीं आएगी, इतना पास प्रेस करो कि आपके हर स्ट्रिंग की आवाज़, हर नोट की आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। हमेशा देखो फ्रेट के पास है, हमेशा फ्रेट के पास है, इस फ्रेट के पास है, इस फ्रेट के पास है, इस फ्रेट के पास है, पास है। तो आई थिंक आपको कुछ और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, बट आई थिंक थोड़ा बहुत आपको जवाब मिला होगा। और अगर अगर आप खुद से अपना एक्शन जो कि स्ट्रिंग की हाइट एडजस्ट करना चाहते हो अपने से, तो अपने गिटार की, तो व्हाट यू कैन डू इज आपके पास एक एलन की करके होगा जिससे कि हम गिटार का एक्शन सेट करते हैं। एलन की को अपने गिटार में आपका होल होगा यहाँ पे, ठीक है, होल के अंदर उसको डालो, ठीक है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज दो तीन बार धीरे धीरे मोड़ना, धीरे धीरे मोड़ोगे तो ये जो तार है ना, तार नीचे आने लग जाएंगे, जब नीचे आएंगे तार तो आपको प्लेइंग करने में बहुत आसानी होगी। इतना ही मत कर देना, चिपका मत देना, क्योंकि फिर बजेगा नहीं, रिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको करो, एक्सपेरिमेंट करो यार, गिटार पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ना ये कुछ ख़राब नहीं होने वाला, तो आप करो। इलेक्ट्रिक गिटार में आपका फ्रेट ट्रस रॉड यहाँ पे होता है, ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको निकाल दूंगा तो होल होता है, देखो दिख रहा होगा होल, है ना, तो ऊपर होता है, तो अकोस्टिक में यहाँ होता है, नीचे होता है, उसको एलन की डालो। एलन की अगर आपको नहीं पता क्या होता है एलन की, आपके बैग में, गिटार वाले बैग में एक लोहे का एक होगा एल टाइप का, कॉर्ड्स एक्सरसाइज फॉर बैटल, चलो मैं कॉर्ड एक्सरसाइज बताता हूँ, फॉर बेटर, ठीक है। कॉर्ड एक्सरसाइजेस देखो, आप ये सारे कॉर्ड्स प्ले करो, आपको एक रूटीन दे देता हूँ कॉर्ड, ठीक है। पहला कॉर्ड आपका है, आपका है ए, मुश्किल कॉर्ड दूँ या फिर इजी कॉर्ड दूँ, मुझे पहले ये बता दो। बार कॉर्ड दे देता हूँ आपको, विच इज़ वेरी यूजफुल और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, हर कोई यूज़ करता है। तो बार कॉर्ड देखो, ई मेजर का कॉर्ड ऐसे बजाते हैं, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसी को आगे ले आओ और बार लगा दो आराम से, या आपका एक कॉर्ड बन जाता है बार कॉर्ड, एफ मेजर का बार कॉर्ड, ईजी ना, ठीक है, वेरी ईजी वाले सारे ईजी कॉर्ड दूंगा। ये नहीं बजा पाते हो एफ मेजर, कोई बात नहीं, आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ई मेजर बजा लोगे, कोई भी इंसान ई मेजर बजा सकता है जिसको गिटार नहीं भी आता, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत आसान है। फिर से देखो कैसे किया, फर्स्ट स्टेप ऐसे,
ये मेरा ये थंब देखो ऊपर कर रहा है, ऊपर की तरफ है, ये मेरे टिप्स से बजा रहा हूँ, टिप्स से बजा रहा हूँ, देखो उंगलियों के कहाँ पे निशान है, टिप्स पे है, और पिंकी यहाँ पे, मिडल यहाँ पे, इसमें 100 से ज़्यादा गाने आ जाएंगे आपके ई मेजर पे। तो आपको मैं कॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ, प्रैक्टिस ये करो, ई मेजर इसको आगे खींचो, एफ मेजर पे ले आओ, और इसको उंगलियों को ऐसे पकड़ लो, बस इसको इसको ऐसे पकड़ लो, थंब से, ये आराम से पकड़ लोगे अगर बार कॉर्ड नहीं आता तो, ठीक है। ये भी एफ मेजर साउंड करेगा, ठीक है, ये भी आपका जी मेजर, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस रूटीन दे दिया मैंने आपको कि इसको आप हर जगह लेके प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये उठा के रिदम बना रहा, देखो अगर मैं बिना उठाए इसको नॉर्मल रिदम आ रहा है, अब कोशिश आप ये करो थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 हल्का हल्का उठा उठा के, ठीक है, ऐसे आपकी कॉर्ड्स भी अच्छे से बजेंगे। ई मेजर का शेप आप बजाओ ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको आगे ले आओ, बार कॉर्ड का ऑल्टरनेटिव है, अगर बार कॉर्ड आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बार कॉर्ड नहीं आते तो ऐसे बजाओ सिंपल, कैसे ई मेजर को आगे लाके इसको दबाओ, इसको इससे दबा दो, नहीं दबता कोई दिक्कत नहीं, इतना भी दबा, इतना भी बजाओगे ना आवाज़ आएगी आएगी आएगी, ज़रूर आएगी, ठीक है। अब आपको इतना मैं समझा रहा था तो मैं एक बीच में रुक गया था कि एडेड कॉर्ड्स क्या होते हैं, एड 9 कॉर्ड क्या होता है, मेजर 7 कॉर्ड क्या होता है, ये माइनर 7 कॉर्ड क्या होता है, मेजर 11 कॉर्ड क्या होता है, मेजर 13 कॉर्ड क्या होता है, बवाल वाले कॉर्ड्स मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुत सिंपल होते हैं, जैसे आपके सी मेजर ई मेजर होते हैं ना वैसे ही आसान कॉर्ड होते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तो कुछ नहीं होता। देखो सी मेजर बनता कैसे, आपने कभी एनालाइज किया होगा इसी को, सी मेजर बनता क्या है, सी ई और जी नोट से, ठीक है, सा गा और पा नोट से, सी मेजर का स्केल लोगे, सी का स्केल समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा बहुत जो समझा रहा हूँ, सी सा रे गामा, ठीक है, तो अगर आप इसमें सारे गामा अगर गाओगे तो उसके सा से गा से पा से तीनों नोट को मिला के आपका सी मेजर का साउंड आता है, कीबोर्ड में हो चाहे गिटार पे हो चाहे कोई और इंस्ट्रूमेंट पे हो, अगर आप मेजर 7 कॉर्ड बजाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना आपको, सा रे गा मा पा धा नी, नी जो है ना नी, नी देखो 7 है, सा रे गा मा पा धा नी, देखो सा, तो ये 7th है ना, 7th नोट, 7th नोट को ऐड कर दो बस कॉर्ड में, हो जाएगा आपका मेजर 7 कॉर्ड, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ अगर समझ नहीं आया तो, मेजर कॉर्ड हम बजाते हैं, बनाते हैं मेजर कॉर्ड हम कैसे बनाते हैं, 1, 3 और 5 से, सा गा और पा नोट से, सी सी मेजर कॉर्ड ऐसे बजाते हैं, सी ई एंड जी नोट से, मेजर 7 कॉर्ड हम बजाएंगे सी ई जी एंड बी नोट से, बी नोट आपको देखो गिनो ध्यान से, सी डी ई एफ जी ए बी, तो बी 7th है, बी सी, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, तो नी जो है ना आपका नी, उस नोट को ऐड करोगे तो आपका मेजर 7 साउंड करेगा, ठीक है। अब अगर आपको माइनर 7 बनाना है ना, सेम चीज़ फॉलो करो, माइनर स्केल के 7th को पकड़ो उसको ऐड कर दो, ठीक है, ऐसे अगर सस्पेंडेड 2 कॉर्ड बनाना, अभी आपको बताया मैंने 1, 3, 5 सा गा पा था ना, सा गा पा को गा को हटा दो, 1, 3, 3 को हटा दो, सारे मा लगा लो, सारे पा सॉरी, 1, 2 एंड 5 ए मेजर है ऐसा, इससे ये पिंकी हटा दो आपका बन जाएगा ए सस टू, ठीक है, ए मेजर है, इसको पिंकी को आगे ले आओ आपका बन जाएगा ए सस 4, तो ये कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, आप समझोगे तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी वो चीज़, ठीक है, ये था थ्योरी। बाकी आप कुछ और कुछ सवाल जवाब कुछ करने हो अभी आप पूछ सकते हो, मैं लाइव ही हूँ, तो आप कुछ भी आपके हेड में आता है गिटार रिलेटेड कुछ भी तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। बाकी वीडियो तो ये वीडियो भी है एक तरीके से, जो बाद में ज्वाइन करेंगे जो बाद में देखना चाहते हैं इस वीडियो को, संडे को मैं हर संडे को लाइव आता हूँ, तो आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चंस आपके गिटार रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको तब तक कुछ और सिखा देता हूँ। पिकिंग पैटर्न, पिक को देखो सबसे आसान तरीका, पिक को पकड़ने का तरीका, बहुत गलतियाँ करते सब, तो ये ऐसे होना चाहिए सबसे, सॉरी ड्रॉप माई पिक, तो पिक को कि सर स्ट्रमिंग में टाइमिंग मैच नहीं कर पाता मैं, देखो स्ट्रमिंग में टाइमिंग आप मैच नहीं कर पाते हो और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे, तो आप कुछ मत करो,
स्ट्रमिंग में टाइम मैच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले रिदम को समझना है, ठीक है, गाने के रिदम को समझना है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो अभी कल परसों ही डाली है कि स्ट्रमिंग प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो वीडियो आप देखना पूरा, उसमें आपको पूरी डिटेल्स हैं आपको कि क्या करना है, ठीक है, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। इसी भी चैनल पे आप जाइए, क्लिक करिए और आपको देखना है सबसे टॉप पे वीडियो आएगी, सेकंड टॉप पे, क्योंकि ये फर्स्ट पे आएगी अब, तो सेकंड टॉप पे आपको देखिए स्ट्रमिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो होगी, उसमें आप देख सकते हो कि टाइमिंग क्या हो रहा है, मैच क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या होता है ना। अब ये मैं डाउन डाउन मुझे भी नहीं पता ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, बट अब मुझे सुनना है कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर कैसे करूँगा, छक 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 छक
जब आप स्लो में कर लो तो उसको फास्ट हो जाएगा, तो कोई भी स्ट्रमिंग आपको दिक्कत नहीं आने वाली है अगर ये पैटर्न आप फॉलो कर लो। जैसे कि ये पैटर्न है आपका, तो इसको आप ध्यान से सुनो, ध्यान से मन में कैसा बज रहा है, छक छक्का क छक छक छक्का क छक, डाउन डाउन जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर से करो, सबसे आसान तरीका है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी को तेज कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर कट रिदम बजने लग जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। डाउन डाउन के चक्कर में फंस गया ना तो फिर हर बार ही फंसे रहोगे, ठीक है? तो आई होप कुछ सेंस बना पाया मैं। तो आपको कुछ भी और सवाल आते हैं कि कान से सुन के कैसे कॉर्ड्स निकालते हैं, सब इस चैनल पर आप वीडियो थोड़ा स्क्रोल करोगे तो सारे सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कान से सुन के कैसे कॉर्ड्स निकालते हैं। देखो, ए मेजर में कोई गाना है तो इसके बाद कौन सा कॉर्ड लगेगा, ठीक? इसके बाद मुझे कोई भी गाना बताओ, मैं आपको उसके कॉर्ड्स तुरंत निकाल के बताऊंगा ताकि आपको समझ आएगा कि मैं कैसे कॉर्ड्स फिगर आउट करता हूँ। कोई भी नया गाना आप बताओगे तो आई विल टेल यू राइट नाउ कि कैसे निकालते हैं कोई भी कॉर्ड, जो कि बहुत सिंपल है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल लेसन बना रखा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, सारे लेसन बहुत छोटे छोटे मैं लाता हूँ विदाउट एनी ये ना यार थे एक बेट या सब कुछ। तो फिर तो मैं एकदम अच्छे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि आपको समझ आ जाए कि ना ये सारे लेसन्स नहीं है एक्चुअली यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इजी से इजी वे में समझा सकूँ। ये तो फैमिली कॉर्ड्स हैं शायद, फैमिली कॉर्ड्स देखो यार, एक सर एक पैग बना दे यार सॉन्ग का, यूट्यूब सर एक पैग बना दे यार, चलो मैं बस देखूंगा एक पैक बना दे यार कौन सा सॉन्ग है, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है ना, यूट्यूब पे एक पॉलिसी है कि आप किसी के गाने को कवर भी सिखाते भी हो ना तो अच्छा कोई लेसन नहीं है, ठीक है? मैं इसके लेसन पर डालूंगा, पर क्या होता है कि मैं किसी के गाने पर लेसन डालता हूँ ना, मुझे दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। आजकल यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप अपना कंटेंट दो, आप किसी के वीडियो को भी नहीं उठा सकते, उनके गानों को भी यूज़ नहीं कर सकते, पता नहीं क्या सीन है। बट एनी वे आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई नहीं, मैं देख लूँगा कैसा गाना है और मैं आपके लिए आपके रिक्वेस्ट पे ये कॉर्ड और इसके फैमिली जो कैसे कैसे गाना है ये, इसको मैं पूरा बजा के दिखाऊंगा आपको कि कैसे गा के बजाना है। और भी आप इसमें वीडियोस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब ये वीडियो एंड होती है मैं काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक्स डालने वाला हूँ कि गिटार के साथ आवाज़ कैसे मैच करते हैं, स्ट्रमिंग कैसे अच्छे से इम्प्रूव करें, ठीक है? और लीड लीड भी तो आपको बजाने का मन करता होगा। ये सारी लीड्स आपको कैसे बजाते हैं मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आपको कुछ भी पूछना है यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ, बाकी मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ तब तक। और आपके दिमाग में कोई भी क्यूरियोसिटी आ रही है, आराम से बैठ के सोच लो, मैं कहीं जा नहीं रहा, तो आप बैठ के सोच लो, 1 घंटे की पूरी क्लास रही है तो आपके लिए है, तो पर्सनल क्लास है, तो यू कैन आस्क मी एनी थिंग रिगार्डिंग गिटार, ठीक है? तो ये जो मैंने प्ले किया था आपका, ठीक
सिस्टम है लीड ट्रोमर्स बजाने का, तो ये कैसे बजाते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं जो स्केल यूज कर रहा हूँ वो उसे बोलते हैं पेंटाटोनिक स्केल। पेंटाटोनिक स्केल किसका? माइनर पेंटाटोनिक स्केल। कोई भी गाने का लीड कैसे निकाले, कोई भी गाने का लीड कैसे निकाले, बहुत ही अच्छे सवाल है और इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो देखो, कोई भी गाना है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी आपको आज फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी गाना है, फॉर एग्जाम्पल जब जब तेरे पास, या फिर गुलाबी आंखें ले लेते, सबसे आसान गाना है गुलाबी आंखें। ठीक है, अगर मुझे ये गाना लेना है, सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गुलाबी आंखें। तो अगर ये कोई गा रहा है तो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहला सुर क्या है, ये आवाज़ मैच कर रहा है गुलाबी आंखें, ये मैच कर रहा है। देखो और कोई नोट ले लूँ गुलाब, नहीं ये अजीब साउंड कर रहा है ना। तो सबसे पहले हमें सुर लेना है, ढूंढना है कि कौन सा नोट है जो मैच कर रहा है गाने के साथ। गिटार उठाओ, मैच करो गाने पहला नोट कि कौन सा, अच्छा ये मैच कर रहा है, देखो कौन सा, ए नोट है ये, ए नोट। ठीक है, ए नोट है। फिर चेक करो कि गाना मेजर में है या माइनर में है। ठीक है, तो ये गाना चेक करते हैं मेजर में कि माइनर में। गुलाबी आंखें, तो ये मेजर में नहीं है, ये माइनर में है। तो माइनर में, तो हमें जब पता चल गया कि गाना माइनर में है, तो हम क्या यूज करेंगे, माइनर का स्केल, माइनर, ए माइनर का स्केल, उसी में से पूरा गाना बना हुआ है। ठीक है, अभी माइनर स्केल क्या होता है, ठीक है, तो ए माइनर का स्केल बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ये आपका स्केल है। इसको कैसे बजाया मैंने, ए पे रखा नोट, थर्ड पे, फोर्थ पे, ठीक है। अब आप सोचोगे ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग, ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि गाना इसी में ही है आपका। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, अब बताता हूँ कैसे। अब मैं ढूंढता हूँ इसको कि गुलाबी आंखें के नोट्स। ठीक है, आपने जैसे पूछा कि कोई भी गाने का लीड कैसे बजाना है, तो इसके नोट्स, तो मैं पहले सुना ना 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 ना, तो ये मुझे पहला लाइन निकाला ना 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 ना, तो पहला पहला नोट ढूंढूंगा क्या, ना ना, ये नाच कर ना 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 ना, ठीक है, ना 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 ना, ठीक है। तो पहला तो गुलाबी आंखें का जो लीड बजता है ना, ना 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 ना, तो ये अगर अगर आपको निकालना है तो तोड़ो उसको, तोड़ो ना 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 ना, एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड है कि ऐसा नहीं होता कि छपके आता है। तो आप गाने को तोड़ोगे तो ये माइनर स्केल में, एक्चुअली इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, आ जाए माइनर स्केल सीख लो, कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके आगे सीखने की। ठीक है, माइनर स्केल आपका ऐसे बजाते हो आप, ए ये ये, ठीक है, ये ये ये, ठीक है, पहले जो बताया था वो हार्मोनिक माइनर था, ये नेचुरल माइनर स्केल है। ठीक है, इसके बाद आपका है, फिर से देखो, अब मैं थोड़ा बजा के दिखा दूँ आपको, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई, पर
पर आपको समझ आ रहा होगा है ना, तो कि माइनर स्केल क्या है, तो इसी स्केल के अंदर है आपका गाना पूरा, इसी के स्केल देखो। कैसे निकालते किसी भी गाने का, आप अगर कोई गाना, ये तो माइनर का फंडा था, मेजर का कोई गाना है फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी लकी अली का गाना लेते हैं, या फिर लकी अली का नहीं तो आपको एक काम करते हैं वो इलाही लेते हैं, ठीक है, इलाही का जो है ट्यून है नरम नरम, थैंक यू सो मच, थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया बट मैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस है, देखो प्रैक्टिस है आपकी स्केल के अंदर ही होता है। ए मेजर का कोई गाना है ठीक है, तो आप पहले ढूंढो कि गाना मेजर में है माइनर में, ठीक है, मेजर में है तो उसके सुर देखो, सारे गाने का पूरा जो बोल होंगे या फिर सुर होंगे वो इसी में ही होगा, ये जो है ना ये सरगम है, तो मैं यही आपको बोलूँगा, पहले आप अपने कान स्ट्रांग करो, कान हियरिंग पावर स्ट्रांग करो। कैसे हियरिंग पावर हम कैसे स्ट्रांग करते हैं, सुनने की शक्ति हम कैसे स्ट्रांग करते हैं, डेली आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ उसको करो अच्छे से आ जाएगा। प्रैक्टिस कुछ नहीं, आप ए मेजर पे आओ, इसको 10-20 बार बजाओ, बोरिंग लगेगा बट इसको गा के बजाओ और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर आपके दिमाग में आपको नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी गाने के सुर हैं आपको दिखने लग जाएंगे। अगर बिलीव नहीं होता तो आप करके देखना एक महीना, ये चीज़ आपके कभी भी ना गाने के लीड्स या टैप्स या कॉर्ड्स भी नहीं देखने पड़ेंगे, मजाक की बात नहीं, सच बता रहा हूँ आपको। अगर आपका कोई गाना है जी मेजर है तो आपको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करो। और एक स्केल दे देता हूँ पर पहले यही कर लो, एक और स्केल है माइनर स्केल जो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, तो धीरे धीरे अपने चीज़ों को प्रैक्टिस करो, गिटार के साथ भी वोकल्स के साथ भी, मुंह मतलब गाओ हर चीज़ को, जैसे गाते रहोगे आप, जैसे जैसे आप गाओगे स्किल्स आपके बेटर होते जाएंगे, आपकी हेयरिंग पावर तेज़ हो जाएगी। देखो कोई सीखने की जरूरत नहीं, कोई थ्योरी नहीं सीखने की जरूरत है, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना किसी से कुछ पर्सनल सीखने की जरूरत है, गिटार स्ट्रॉन्ग करना है तो कान स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई भी गिटार नहीं, कीबोर्ड भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तो कान स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कान कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे, स्केल्स बजा के, स्केल्स बजाओ उनको गाओ, स्केल्स बजाओ उनको गाओ। कॉर्ड्स देखो यार, तो नहीं तो हर बार आपको दिक्कत होगी, हर बार कॉर्ड्स निकालोगे नए नए, ए मेजर एफ मेजर जी मेजर ए मेजर एफ मेजर, फिर आपको पता नहीं चलेगा, अच्छा जब गाना मैं ये गा रहा हूँ ये लाइन गा रहा हूँ तो इसमें कौन से कॉर्ड्स लगने वाले, ठीक है, आपको अगर ये जानना है कौन से कॉर्ड्स लगने वाले तो आपके कान आपको बताएंगे, आपका दिमाग आपको बताएगा, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, किसी को भी कोई भी गिटार रिलेटेड क्वेरी हो अभी आप पूछ सकते हो, लाइव हैं हम तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, ठीक है, तो कोशिश कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मोनालिशा दीप, ठीक है, सुभाष मोनालिशा, ओके ठीक है। और ये जो फंडा है ना, ये यूकेलेले में भी काम करता है, आपका गिटार पे भी काम करता है और आपका पियानो पे भी काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट से बंधा हुआ है, ठीक है, कोई भी गाना आप मैच कर सकते हो अपनी आवाज़ को गिटार के साथ, ठीक है। सर आप हर संडे ऑनलाइन आते हो, यस मैं हर संडे आके, अगर मेरा शो नहीं होता, लाइव शोज भी होते हैं हमारे, तो जिससे हम लोग अपना अर्न करते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, हमारा लाइव कॉन्सर्ट ज़्यादातर वीकेंड्स पे ही होता है, ठीक है, पार्टीज़ वगैरह क्लब्स वगैरह, तो नहीं तो मैं पक्का इंश्योर करता हूँ कि मैं सुबह लाइव आता हूँ संडे को, ठीक है, तो हर संडे हम क्लासेस कर सकते हैं, आप 11 बजे, ठीक 11 बजे मैं आपको मिलूँगा यहीं पे, ठीक है, आप अपने सवाल जवाब तैयार रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको अब मैं बता देता हूँ कि गिटार देखो सब बजाना चाहते हैं, अच्छे से बजाना चाहते हैं, अच्छी बात है वो, बट उसके लिए आपको कल स्ट्रमिंग, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा ये क्या करता है, ये उठाता क्यों है ना, ये बंदा उठाता क्यों, ये सब क्योंकि हमेशा रिदम राइट हैंड से नहीं होता, लेफ्ट हैंड से भी हमारे रिदम बच सकता है। अब आप सोचोगे लेफ्ट हैंड से तो कॉर्ड पकड़ रहे हैं कि कॉर्ड से रिदम कैसे बजाए, कॉर्ड से रिदम ऐसे बजाते हैं, देखो लेफ्ट हैंड से रिदम, ठीक है, आप इसी चीज़ को आप अपने स्ट्रमिंग के साथ बजाओ, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि
इतना ऊपर नहीं उठाना, इकोनॉमिकल रखो, मतलब इसको कम से कम रखो, ठीक है? तो ऐसे नॉर्मल से नॉर्मल स्ट्रमिंग भी इतनी सुंदर लगने लग जाएगी आपकी, क्या आप भी अचंभ में हो जाओ। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ऐसे 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 हल्का हल्का उठाना, हल्का हल्का बिठाना, हल्का हल्का उठा के बिठाना। सो इससे आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड में रिदम बना रहे हो, लेफ्ट हैंड में आपको अपना रिदम बना रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बजा के गानों में डालोगे तो बहुत ही अच्छा आपको फील आएगा। कैसे करते हैं फिर से आपको दिखाता हूँ। राइट हैंड आपका रिदम बजा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, बजा रहा हूँ उठा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, देखो ध्यान से, बजा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, उठा रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक और क्वेश्चन देखा है लोगों में कि फास्ट कैसे बजाते हैं, गिटार भी फास्ट, तो ये फास्ट कैसे बजाते हैं हम लोग, है ना? तो ये फास्ट कैसे बजाते हैं हम लोग, है ना? हम लोग फास्ट बजाने का सिंपल तरीका है, अगर आप कोई भी चीज़ फास्ट बजानी हो, मैं आज फिर से बजा रहा हूँ, इसमें राइट हैंड भी यूज़ नहीं हो रहा। फास्ट बजाने के लिए आपको स्लो बजाना सीखना पड़ेगा। स्लो, मैंने भी जब गिटार पकड़ के ये सब चीज़ें ट्राई की थी तो मैंने पहले इसको स्लो में बजाया, बहुत स्लो, जितना स्लो हो सकता है। क्या प्रैक्टिस करना है, मेट्रोनोम, आप यूट्यूब पर ढूंढो मेट्रोनोम या ड्रम बीट, ठीक है? ड्रम बीट टाइप करो, उस पर बजाओ उसको ड्रम बीट पे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब उसको तेज धीरे धीरे, ये सब प्रैक्टिस का कमाल है। ऐसे कॉर्ड्स पे अगर आपको कॉर्ड्स अच्छे करने हैं, डेली दस मिनट ज़्यादा नहीं, डेली 10 मिनट भी अपने गिटार को दो, आपको यील्ड करेगा। बट अगर आप ब्रेक्स देते हो, जैसे कि 10 दिन का, 15 दिन का, तो आपको गिटार कभी यील्ड कर ही नहीं सकता। आप चाहे 10 साल भी प्ले कर लो, 100 साल भी प्ले कर लो, आपको गिटार यील्ड नहीं कर सकता कोई भी इंस्ट्रूमेंट। और गिटार तो पियानो से ज़्यादा मुश्किल है, आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो ये ज़्यादा मुश्किल है। आप इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको ही रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ है कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं परफेक्टली विदाउट एनी ट्यूनर, बिना ट्यूनर के हम कैसे गिटार को ट्यून करते हैं, बहुत सिंपल है। कानों से ट्यून करोगे आप अब, तो इंडेक्स फिंगर लो अपना और इसको रखो 5th फ्रेट पे, ठीक है? इसको बजाओ, ए स्ट्रिंग को, आवाज़ आएगी आपको अब इसको देख के आप ए स्ट्रिंग को बजाओ, दोनों को मैच करना आपको, फिर उस हिसाब से आपको ट्यूनर को एडजस्ट करना है, ठीक है? ऐसे आपको इस पर भी करना है, ऐसे आपको ऐसे भी करना है। पर जब आप बी स्ट्रिंग पे आओ, जी स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे प्रेस करना है 4th फ्रेट पे, देखो अनट्यून है थोड़ा, आप ठीक है? अब ऐसे यहाँ पे, ठीक है? सोच रहे होगे कि मैं आपको इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक गिटार कैसे आवाज़ आती है, इलेक्ट्रिक गिटार, तो इलेक्ट्रिक गिटार के पार्ट्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रिक गिटार में 2 सेट के पिकअप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये दिख रहा होगा, ऐसे ये पिकअप्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज। गिटार में ये ब्रिज होता है, ठीक है? आपका ये होते हैं हमारे नॉब्स, 4 नॉब्स होते हैं हमारे, 1 2 3 4, ऊपर वाले वॉल्यूम के लिए होते हैं, नीचे वाले टोन के लिए होते हैं, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ कैसे। अकोस्टिक गिटार की भी कभी लाइव करिए सर, ठीक है? अकोस्टिक गिटार के मैं करता हूँ लाइव, बट आप इलेक्ट्रिक भी देखोगे तो कभी आपको कभी मौका मिला ज़िंदगी में कि इलेक्ट्रिक पे हाथ रखने का, तो आपको चीज़ें पता होगी। ये हमबकर पिकअप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नेक पिकअप, नेक पिकअप, इसको बोलते हैं ब्रिज पिकअप, ठीक है? ब्रिज पिकअप, ठीक है? ये हमारे सिग्नल्स को लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से वायर से चलाता है आपके एम्प में। अभी दिखाऊंगा अभी एम्प कैसे लगाया है मैं सेटअप, तो अभी आपको सब समझ आएगा। ये होता है हमारा सिलेक्टर स्विच, क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्टर स्विच। अगर इसको ऊपर करूँ तो ये आपका ये बजने लग जाएगा, ये नीचे वाला बंद हो जाएगा आपका, देखो मोटी आवाज़ आने लग जाएगी।
ये पतली आवाज आने लगी। अब ये क्या है, बीच वाले पोर्शन में क्या है, ये दोनों चीजों को यूज कर रहा है आधा आधा। अब अगर मैं नीचे कर दूं इसको, ये ब्रिज पिकअप को इस्तेमाल कर रहा है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉल्यूम नॉब्स हैं, ठीक है, ये ऊपर के दो है आपके वॉल्यूम नॉब्स, नीचे के दो है टोन नॉब्स। इनको इससे क्या होता है कि ऊपर वाला वॉल्यूम ठीक होता है, इससे ये होता है नीचे वाले वॉल्यूम का वॉल्यूम पता चलता है। इससे क्या होता है कि अगर ये हर गिटार में होता है, हर इलेक्ट्रिक गिटार में, ऐसा नहीं कि मैं इस गिटार के स्पेसिफिक बता रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, ऊपर वाले पिकअप को सिलेक्ट करते हैं और इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया ऊपर वाले पिकअप को, और हमने क्या किया कि इसको टोन वॉल्यूम नॉब को पूरा फुल कर दिया और टोन नॉब को जीरो जीरो कर दिया। देखो कैसी आवाज़ आएगी, आज एक अच्छी चीज़ आप देखोगे। नहीं आ रही ना आवाज़ अच्छी, अब धीरे धीरे टोन को खोलूंगा। देखो मैं सॉन्ग का स्केल निकाल लेता हूँ और उससे रिलेटेड कॉर्ड्स भी, बट उसमें कौन से लाइन में कौन सा कॉर्ड लगेगा मुझे नहीं समझ आता। एक हमारे व्यूअर ने मून करके इन्होंने पूछा है कि कॉर्ड्स के लाइन निकाल लेता हूँ बट मैं कॉर्ड्स कौन से लाइन में कौन से कॉर्ड्स लगेंगे वो नहीं पता चलता। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन से लाइन में कौन से कॉर्ड्स पता चलेंगे। इट्स वेरी इजी, आप डेली ना एक काम करो, आप डेली सिर्फ मैंने अभी बताया सभी को कि आप ये स्केल प्रैक्टिस करो एक महीने तक, रिजल्ट नहीं आता आप अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, बोलना क्या रहे यार कुछ नहीं हुआ। आप पकड़ो कोई भी जो आपके लिए जिसमें कंफर्टेबल हो, लड़कियों के लिए जी शार्प बोलूंगा, लड़कों के लिए सी शार्प बोलूंगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, डेली करो, आपकी कानों में आपको समझ आने लग जाएंगे चीजें। अगर नहीं आए ये ऑटोमेटिक चीज है, देखो म्यूजिक ना ऑटोमेटिक है, हम ना कोई फोर्सफुल चीज नहीं, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग आपसे बोलेगा कि अच्छा इस लाइन के बाद ये कॉर्ड आने वाली है। थ्योरी आप जान लो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी पढ़ लो थ्योरी जान लो, बट आपको अगर ऑटोमेटिक चीज़ चाहिए, देखो कोई भी आप धुन बताओगे मैं तुरंत निकाल लूँगा। वो कैसे हो रहा है, कान से हो रहा है, ब्रेन कहता है मेरा कि अच्छा ये है इस लाइन में ये कॉर्ड लगने वाला है। तो यह आप कैसे करोगे कि इसको प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, मैंने आपको ये तरीका बता दिया। काम करता है, देखो हमारे हर चीज़ का सलूशन ना इंडिया में ही है, ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कान तेज़ होंगे, आपका दिमाग तेज़ होगा और आप धीरे धीरे कॉर्ड सारे बजा पाओगे, कौन कौन से कॉर्ड कहाँ लगते हैं, ठीक है। वेस्टर्न थ्योरी आप पढ़ोगे आपको थ्योरी की समझ आएगी कि मेजर का रिलेटिव माइनर क्या होता है ना, वो जानना भी ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, आपको आई थिंक आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। और किसी को कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क मी राइट नाउ। मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, आपके क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, सो आई कैन हैव अ लुक एंड इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग राइट नाउ देन आई विल बी स्विचिंग टू दैट। अकोस्टिक गिटार पे कभी लाइव आई है, मैं आता हूँ अकोस्टिक गिटार पे, बट अब सोचा कि इलेक्ट्रिक गिटार पे स्विच करते हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ठीक है, थैंक यू, वेलकम वेलकम मोहन, वेलकम। ठीक है, मैं आज आपको एक और कॉर्ड बताता हूँ, ठीक है। मेरा मन कर रहा है आपको एक और कॉर्ड बता दूँ, माइनर नाइन्थ कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है माइनर नाइन्थ कॉर्ड, ठीक है, बहुत सिंपल कॉर्ड है, जितना बड़ा नाम लग रहा है उतना ही सिंपल ही कॉर्ड है, उतना ही सिंपल कॉर्ड है। ए माइनर नाइन्थ कॉर्ड, ए माइनर नाइन्थ कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। आपको सिंपल पता है कि ए माइनर ऐसे प्ले करते हैं, ए माइनर ऐसे प्ले करते हैं बार कॉर्ड, ठीक है। ए माइनर नाइन्थ कॉर्ड प्ले करने के लिए आपको बस इंडेक्स फिंगर यहाँ लाना है, ए माइनर नाइन्थ कॉर्ड, और आपको बजाना है ये, और रिंग फिंगर को यहाँ रखना है। ये आपका ए माइनर नाइन्थ कॉर्ड है, ठीक है। आप ऐसे बजाओ, ये भी एक ए माइनर नाइन्थ कॉर्ड है, ये ए माइनर सेवन कॉर्ड, ये ए माइनर नाइन्थ कॉर्ड, माइनर सेवन कॉर्ड, ये भी है ए माइनर सेवन, ए माइनर नाइन। तो बी माइनर नाइन कैसे बजाओगे आप, बी माइनर नाइन सिंपल, बी नोट ढूंढो, यहाँ पे बी है, ये देखो बी नोट है, कैसे ढूंढा, ई क्यों, एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, पी। तो बी नोट ढूंढने के बाद दिस इज अ बी माइनर नाइन कॉर्ड,
आई होप आपके काफ़ी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए आज के सेशन में। तो हर संडे मैं आऊँगा, आपके सारे सवालों जवाब का मैं कुछ ना कुछ निकालूंगा हल। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेसन में। आई होप सो आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। और किसी को कुछ डाउट्स हैं तो अभी आई वेट फॉर 10 more seconds, आफ्टर दैट आई फिनिश। कोई डाउट्स है तो अभी आप पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्टली। मार्सिन जैसा आपको बजाना है परकशन, ठीक है, इसके ऊपर मैं लेसन लाऊंगा आपको, कुश्ती गिटार पे बजा के दिखाऊंगा। इस पर तो नहीं कर सकता, बहुत आसान है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा डेडिकेशन लाना पड़ेगा। वो एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं, देखो परकशन में हमारे ये वाला भी लगता है, ये वाला पोर्शन लगता है, और ये वाला, और ये वाला। ठीक है, दिखाता हूँ दोबारा, ये कट, इससे स्नेयर आता है आपको, इससे किक आता है, और इससे भी स्नेयर आता है, और इससे मारने से भी आपका स्नेयर आता है। ठीक है, तो क्या होता है, पर आपको बीट की समझ होनी चाहिए। आप भी परकशन गजब करते हो? नहीं, बस मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली बस वही पता है, तो आई जस्ट शेयर माय नॉलेज। बाकी आई ट्राई माय बेस्ट टू कवर मासिन, तो मैं एक मासिन की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। हाउ टू प्ले एट 2000 BPM, हाउ टू प्ले एट 2000 BPM, आई थिंक दैट्स वेरी इलॉजिकल, बट वी कैन प्ले एट 2000 BPM वेरी ईजीली। क्या, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। इफ वी डिवाइड 2000 बाय 200, ओके, जस्ट फॉलो मी। इफ वी डिवाइड 2000 बाय 200 वी गेट अ 10। सो वॉट वी नीड टू डू इज रिकॉर्ड आर वीडियो at 200 BPM and passing it 10 times, okay? So this question was from Claudio Montera. Okay Claudio, I think I answered your question. भैया कुछ fingers exercises बता दीजिए। Finger exercises, okay? Finger exercises that I am giving you right now is, ये बहुत simple exercise है, we play an arpeggio, ठीक है? ठीक है, इसको कैसे प्ले करते हैं, हाउ डू प्ले दैट। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में बताता हूँ कैसे प्ले करते हैं। कम टू द 9th fret ऑफ ई स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद पिंकी फिंगर ऑन द 12th string एंड प्ले, ओके। 10th fret बी स्ट्रिंग, इंडेक्स से 9th fret G string, और मिडिल फिंगर से आपका D string पे 11th fret सॉरी व्हाट, ठीक है, रिंग से आपका 12th fret ऑन द E string। सो व्हाट वी गेट, वापस लाओ, ये क्या है, ए मेजर का आर्पेजियो है। ठीक है, इसको आपको धीरे धीरे स्लो करना, इसको आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत अच्छा फिंगर एक्सरसाइज दिया, आपके फिंगर स्ट्रांग हो जाएंगे। और लीड प्ले करने के लिए देखो, सबसे बढ़िया चीज़ है ये, इसको थम हमेशा आपका पॉइंटिंग टू द स्काई होना चाहिए थम। ठीक है, तो आई होप आई हैव आंसर्ड सम क्वेश्चन ऑफ योर्स। तो आप मुझे और चीज़ें पूछ सकते हो, अदरवाइज आप, मैं तो अलविदा लेता हूँ और आपको फिर नेक्स्ट लेसन में मिलूंगा अच्छे कॉर्ड्स के साथ, अच्छे गानों के साथ, रादर देन लीड वगैरह के साथ। ठीक है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिक गिटार के साथ करिए लेसन, तो मैंने इलेक्ट्रिक गिटार के साथ लेसन किया। बिफोर गोइंग मैं आपको कुछ अच्छे केबल्स और कुछ अच्छे ब्रांड बता देता हूँ, जो आपको सजेस्ट कर दूंगा कि बहुत ही अच्छा है। देखो ये जो केबल है, ये 499 रुपीज़ की केबल है। ठीक है, मैं यहीं पर ना अपना ये बंद कर देता हूँ, तो क्या आपको मैं निकाल के दे, जुआरेस का केबल है, 499 रुपीज़ का है।
इट इज़ वेरी गुड, वेरी चीप एंड देखो कोई नॉइज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो कभी भी आपको ज़िंदगी में गिटार केबल ख़रीदना हो तो यू कैन गो फॉर जुआरेज, ठीक है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे गिटार केबल्स बनाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। 499 रुपीज़ में, मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ तो आपको बस ऐसे बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि आप इलेक्ट्रिक गिटार के स्ट्रिंग्स कौन से लेने चाहिए, डी अडारियो के आप स्ट्रिंग्स लो, बहुत अच्छे स्ट्रिंग्स हैं। और एक डी अडारियो के स्ट्रिंग आपको पड़ेंगे 250 रुपीज़ में अमेजोन पे, अमेजोन पे टू डी अडारियो के स्ट्रिंग्स आपको पड़ेंगे 250 रुपीज़ के, किसके, अकोस्टिक गिटार के, ठीक है। जुआरएस की केबल लो और गिटार पे जो वायर्स हैं आप डी अडारियो के लो, टूटेंगे नहीं। अभी तक मेरे गिटार के एक भी स्ट्रिंग नहीं टूटे, कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 ढाई महीने हो गए, एक भी स्ट्रिंग नहीं टूटी है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप गिटार को रखते गलत हो गए शायद, तो बैग में आपकी भी टूटती होंगी स्ट्रिंग्स। बट अगर आपको स्ट्रिंग्स टूटने से बचाना है तो कुछ मत करो, जब भी प्ले करने के बाद एक कपड़ा लो, इसको साफ़ कर दो, थोड़ा सा साफ करके रखो, ठीक है। आपके स्ट्रिंग्स पे वो मॉइस्चर नहीं आएगा। हर्ट्स का गिटार मत लेना कभी ज़िंदगी में, बहुत पछताओगे। ये बस हर्ट्स का गिटार बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको गिटार में कंपनी आपको चाहिए, आइबनेज़, IBNEZ, आइबनेज़ का अकोस्टिक गिटार लो, आइबनेज़ का यूकेलेले ले लो, आइबनेज़ का इलेक्ट्रिक गिटार लो, बीट एनी काइंड ऑफ गिटार, तो आप आइबनेज़ का गिटार लो, खुश रहोगे। IBANEZ बहुत अच्छी कंपनी है। आप फेंडर का भी गिटार ले सकते हो, FENDER, बट आई विल प्रेफर कि आप आइबनेज़ का लो। आइबनेज़ बहुत ही यूज़ किया मैंने, बहुत अपने साल जितने साल से मैं प्ले कर रहा हूँ सब हमेशा मैंने बहुत आइबनेज़ ले किया है। ये सबसे अच्छी कंपनी है। तो ये गिब्सन कंपनी की है, तो गिब्सन आप थोड़ा महंगा है एक्चुअली, तो आप अगर गिब्सन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी आपको। बट अगर आप लो रेंज में अच्छा गिटार पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आइबनेज़ की गिटार, अकोस्टिक गिटार आपके 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 6,000 से भी आपको बहुत अच्छे गिटार मिल जाएंगे। यामाहा का गिटार सब लेते हैं, बट आई प्रेफर आप आइबनेज़ का लेके देखो, आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा। यामाहा का गिटार अच्छा होता है, यामाहा का क्लासिकल गिटार आता है आपका 6,000 रुपये में, वो भी आप ले सकते हो। नायलॉन स्ट्रिंग गिटार आता है यामाहा C40 करके, मॉडल नंबर आपको फिर से बता देता हूँ, यामाहा C40 करके है, उससे भी आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा अकोस्टिक नायलॉन नायलॉन गिटार है, नायलॉन स्ट्रिंग, तो उसमें आपकी उंगलियाँ दर्द नहीं होंगी कभी, अगर कोई गिटार लेना चाह रहा है, और साउंड भी अच्छा आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप इलेक्ट्रिक गिटार लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिक गिटार कौन सा लिया जाए। 12,000 रुपये का आपका आता है फेंडर बुलेट स्ट्रैट करके आता है, बट उसमें लुक्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक गिटार एकदम बोरिंग सा लगेगा देखने में, ठीक है। तो बट हाँ, साउंड प्रीमियम होगा, साउंड अच्छा होगा। 12,000 रुपये का आता है, आप शायद 10,000 रुपये का है अमेजोन पे, तो आप देख सकते हो फेंडर बुलेट स्ट्रैट करके, साउंड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, साउंड एकदम प्रीमियम क्वालिटी की साउंड आएगी। आइबनेज़ की गिटार अगर आप लोगे तो आइबनेज़ की गिटार आपके 10 साल के 20 साल भी चलेंगे, फेंडर के गिटार लोगे तो भी 20 साल लेंगे, बट लुक्स नहीं है फेंडर में, फेंडर में लुक्स नहीं है, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट जैसे मैंने पहना है ना वैसे ही फेंडर के लुक्स हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, समझ आ गई होगी आपको बात। और गिटार की जो बेल्ट होती है, हम बेल्ट टांगते हैं गिटार की, जो बेल्ट होती है वो कौन सा लेना चाहिए। गिटार की जो बेल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सा बेल्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको 400 रुपये में इतना अच्छा बेल्ट मिल जाएगा, देखो सांप टाइप का बेल्ट है, स्नेक स्किन में, ठीक है। तो इसको जब आप पहनोगे, ये कितने का होगा आप सोचो, ये 499 का है, हर 400 रुपीज़ का है, ये मेरे 3 साल चल चुका है, 3 साल पुराना ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, 3 साल चल चुका है, कोई ना वेयर ऑफ है ना कुछ है, सिर्फ 300 रुपये का है, 300 या 400 रुपये का है, डोंट नो। तो कौन सी कंपनी का है, केडेंस कंपनी का है, केडेंस कंपनी का है, तो आप इसको यूज़ करो अपने साथ और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब कि कभी टूटेगा नहीं, 3 साल से चला रहा हूँ कभी टूटा नहीं। तो ये 499 का है, ये आपका आराम से चलेगा। गिटार और माइक, अगर माइक खरीदना आपको तो ये माइक ले लो, रुको मैं बता दूँ, ये एक माइक है, इसको डायनामिक माइक बोलते हैं, ये आपके 200-300 रुपये में आ जाएगा, ठीक है, 200-300 रुपये में आपको ये माइक मिल जाएगा कहीं भी। तो ब्रांड अभी मैं बोलूँगा नहीं, ब्रांड आप ले लो, अहूजा करके ब्रांड है, वो भी अच्छा ब्रांड है, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये 200-300 रुपये में आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। और बॉयज़ गेमिंग, हाय हाय। और ऑडियो इंटरफेस कौन सा लेना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए गिटार और ये सब, तो मेरे पास जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद आपके साथ ये, हाँ एक ये भी चीज़ दिखाता हूँ गिटार को रखने के लिए, द स्टैंड, 80 रुपीज़ का स्टैंड आता है, ठीक है, 80 रुपीज़ का ये स्टैंड आता है, गिटार स्टैंड, ये कहीं भी आपका फोल्ड हो जाएगा तो फोल्ड जाएगा, 80 रुपीज़ का स्टैंड आता है। तो आई थिंक आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, ये 10-20 रुपये का वो आता है, पिक आता है, बहुत ही अच्छी पिक है, ठीक है। तो काफ़ी अफोर्डेबल सेटअप, काफ़ी
बहुत ही इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने लाइव स्ट्रीम के लिए, अपने अकोस्टिक या फिर किसी को सुनाने के लिए है। और मैं यूज़ क्या क्या करता हूँ सेटअप, मैं आपको थोड़ा वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत और समझ आ जाए। लाइटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है आपका ये। और मैं और क्या यूज़ करता हूँ, ये आपका ये मेरा, इससे आप साउंड जो भी सुन पा रहे हो इससे आप सुन पा रहे हो, ठीक है। ये फुट पेडल बोलते हैं इसको, ठीक है, इससे पैचेस चेंज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैंने कुछ समझा लिया, थोड़ा बहुत मेरा सेटअप दिखा दिया, ठीक। तो मैं आपको अब गाना मैं अगले लेसन में पक्का गा के सुनाऊंगा। अभी मेरी एक और क्लासेस हैं जो जूम पे मैं लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस, तो आप अगर मुझसे डायरेक्टली पर्सनल वन टू वन ऑन वन क्लासेस लेना चाहते हो कोई भी, तो मेरा नंबर आप है मेरे चैनल में, आप अबाउट सेक्शन में जाइए एकदम वो कॉर्नर में इजी गिटार लेसन्स के, वहाँ पे आप इंडियन क्लासिकल वोकल सीख सकते हो। हमारी पूरी फैकल्टी है जो कि ड्यू से रिलेटेड है, तो आप सीख सकते हो वहाँ पे, और इंडियन क्लासिकल वोकल सीख सकते हो आप। गाना कुछ अब किसी को गाने में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं आपको गिटार सिखाऊंगा, ऑब्वियसली मैं गिटारिस्ट हूँ तो मैं आपको गिटार सिखाऊंगा। अगर आपको प्रॉपर सिंगिंग सीखनी है तो प्रॉपर सिंगिंग भी आप सीख सकते हो, और पियानो क्लासेस भी चाहिए तो पियानो क्लासेस भी आप ले सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेसन में, टिल देन अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से। तो प्राइस आपका है, देखो ये प्राइस मैं यहाँ आपको नहीं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो, मेरा नंबर है 9650597374, फिर से रिपीट कर देता हूँ 9650597374। कोई भी प्राइस है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, और ऑफलाइन भी सीख सकते हो, ऑनलाइन भी आके सीख सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेसन में, टिल देन बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।